हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूं मैं विकास सर क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा लूप एल्स। अभी तक आप लोगों ने एल्स ब्लॉक इफ स्टेटमेंट के साथ पढ़ा था, पर आज आप लोग एल्स ब्लॉक देखोगे लूप्स के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर लूप एल्स स्टेटमेंट के साथ। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या सीखा था? अगर कंडीशन ट्रू तो भाई इफ ब्लॉक वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, अगर कंडीशन फॉल्स तो एल्स ब्लॉक वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी। पर दोस्तों, यहां पर एल्स स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट है। माय फ्रेंड, लूप्स में एल्स स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जीक्यूटेड होगी जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आप लूप से बाहर आ जाओगे। फॉर लूप के अंदर जब सीक्वेंस की सारी वैल्यू ट्रेट हो जाएंगी तब एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और व्हाइल लूप में जब हमारी टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। एल्स ब्लॉक पाइथन के अंदर सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा जब लूप को टर्मिनेट करोगे नॉर्मली, मतलब जब भाई सारी वैल्यूज इटरेट हो जाए फॉर लूप में या फिर व्हाइल लूप में कंडीशन फॉल्स हो जाए, सिर्फ और सिर्फ तभी लूप के नॉर्मली टर्मिनेशन के बाद ही हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ना कि भाई जब एग्जीक्यूट हो, जब आप ब्रेक स्टेटमेंट से जबरदस्ती टर्मिनेट करोगे लूप को, तब भाई उस सिचुएशन में किसी भी तरीके से आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए अब इसका सिंटैक्स देख लीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, और अगर भाई ये वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होगी, इस सीक्वेंस में दी गई होगी, तो ही हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। जब मेरे भाइयों ये सारी वैल्यू सीक्वेंस में ट्रेड हो जाएंगी तब भाई ये हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अब जैसा कि मैं ऊपर आपको बता चुका हूं, अगर आपने जबरदस्ती टर्मिनेट करने की कोशिश की ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके, तो भाई ये बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऐसे भाई सेम काम व्हाइल लूप में, पहले ये टेस्ट कंडीशन चेक होगी, जब तक ये टेस्ट कंडीशन ट्रू रहेगी ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ओके, चलिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं अपने एग्जांपल से। हमने पहला एग्जांपल लिया फॉर लूप का, फॉर आई इन रेंज 1,5 प्रिंट कर दो किसको, आई को। तो भाई आप लोग सब अच्छे से जानते हो वैल्यू कौन कौन सी प्रिंट होगी, 1, 2, 3, 4, 5 इंक्लूड नहीं होगा। और जैसे ही ये 1, 2, 3, 4 हमारा प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक, और क्या लिखा आ जाएगा, हेलो एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड हियर। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है मैंने आउटपुट। यस भाई, यस, 1, 2, 3, 4 और उसके बाद हेलो एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड हियर। अब एक और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, फॉर आई इन रेंज 1,5, अगेन आपने सेम कंडीशन दी, लेकिन बॉडी में इस बार आपने क्या दिया है, इफ आई इक्वल टू 3 है तो भाई क्या कर दो, ब्रेक कर दो, मतलब लूप से बाहर आ जाओ। अगर ऐसा नहीं है तो हम प्रिंट कर रहे हैं अपने आई को, तो सबसे पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, जैसे ही आई की वैल्यू हमारी 3 होगी हम लोगों ने कर दिया ब्रेक और हम लूप से आ गए बाहर। तो क्या एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने टर्मिनेट खुद किया है, जबरदस्ती किया है। तो इसी वजह से मेरे दोस्तों आउटपुट में सिर्फ 1 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, 2। ओके भाई, अब तो बिल्कुल भी डाउट नहीं रह जाना चाहिए कि सर ये एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही व्हाइल लूप में देख लो, आई इक्वल टू 2, I less than equal to 8, प्रिंट कर रहे हैं हम किसको, I को, और फिर हमने अपडेट स्टेटमेंट दी है I plus equal to 2। तो यार अब तो आप लोग सब अच्छे से जानते हो लूप का एग्जीक्यूशन क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 8। जैसे ही ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा क्या आउटपुट आ जाएगा, हाई एग्जीक्यूटिंग एल्स ब्लॉक। चलिए भाई देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है अपने आउटपुट, 2, 4, 6, 8, हाई एग्जीक्यूटिंग एल्स ब्लॉक। ऐसे माय फ्रेंड मैंने व्हाइल लूप का दूसरा एग्जांपल दिया, लेकिन इस बार मैंने क्या यूज की हुई है, ब्रेक स्टेटमेंट। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं।
सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है? जी बिल्कुल। क्या 1 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा? जी नहीं आएगा, तो अभी ब्रेक नहीं होगा। तो आपने क्या किया, प्रिंट कर दिया आई को, तो इसलिए भाई आउटपुट मिल गया आपको 1। फिर आई की वैल्यू अपडेट की, आई की वैल्यू हो गई 2। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है? जी बिल्कुल, कंडीशन ट्रू है, 2 5 से छोटा होता है। अब 2 को 2 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आएगा। जी हाँ, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो भाई ये ब्रेक कहाँ ले आएगा आप लोगों को, लूप के बाहर। क्या एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? जी नहीं होगा, इसलिए आउटपुट सिर्फ क्या मिला आपको, 1। चलिए मेरे दोस्तों, अब अपने एल्स ब्लॉक को यूज करके हम अपने पाइथन आईडियरी पर कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं। लेट्स मूव टू द पाइथन आईडियरी। तो ये रही माय फ्रेंड हमारी पाइथन शेल। मैं लेता हूँ यहाँ पर न्यू फाइल और लिखते हैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम। मैंने ली यहाँ पर कमेंट लाइन, प्रोग्राम का नाम दिया माय फ्रेंड यूज ऑफ लूप एल्स ब्लॉक विद फॉर लूप। ओके, चलिए लिखते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले लिखा माय फ्रेंड मैंने फॉर आई इन रेंज, मैंने यहाँ पर वैल्यू दी 2 और यहाँ दी मैंने स्टॉप वैल्यू 22 और माय फ्रेंड मैं अपडेट कर रहा हूँ 22 का। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया अपने आई को। तो भाई आप सब लोग जानते हो क्या वैल्यू आएंगी, 2 से लेकर 20 तक, 22 यहाँ पर नहीं आने वाला। अब भाई इस फॉर लूप के बाहर आइए और एल्स ब्लॉक दीजिए। हमने लिखा इसकी बॉडी में प्रिंट एल्स ब्लॉक विद लूप इज एग्जीक्यूटेड। ओके, तो भाई ये तो हुआ हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। चलिए इसको सेव कराते हैं। मैंने प्रेस किया कंट्रोल प्लस एस और नाम दिया दोस्तों मैंने यहाँ पर एल्स विद फॉर लूप। ये हुआ सेव और ये हुआ रन। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, 2 से लेकर 20 तक वैल्यू आ रही है और उसके बाद हमारा एल्स ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हो रहा है। हमारे आउटपुट में लिखा आ गया एल्स ब्लॉक विद लूप इज एग्जीक्यूटेड। चलिए भाई अब बनाते हैं दूसरा प्रोग्राम और यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट को मैं यूज करूंगा, तो आप देख लीजिएगा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर लेता हूँ मैं न्यू फाइल, यहाँ लिखते हैं अपना सेकंड प्रोग्राम। मैंने दिया प्रोग्राम का नाम एल्स ब्लॉक विद फॉर लूप यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, अब माय फ्रेंड मैंने लगाया फॉर लूप फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर माय फ्रेंड मैंने वैल्यू दी यहाँ पर 10। उसके बाद मैंने लिखा दोस्तों इफ आई इक्वल टू मैं कह रहा हूँ 5, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यार, ब्रेक। अदरवाइज भाई मैं प्रिंट करा रहा हूँ आई को। उसके बाद मैं लूप से बाहर आया, मैंने दिया एल्स ब्लॉक और इसके अंदर मैंने प्रिंट कराया एल्स ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। तो आप लोग देख भी लीजिएगा यार, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। और आउटपुट हमें कहां तक मिलेगा भाई, 1 से लेकर 4 तक। चलिए सेव कराते हैं इसको। मैंने प्रेस किया कंट्रोल प्लस एस, नाम दिया मैंने एल्स विद फॉर एंड ब्रेक। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम के नाम दे दिए मैंने, चलिए कोई बात नहीं, अब इसको कराते हैं रन। तो देख सकते हो 1 2 3 4 आ रहा है आउटपुट हमारा एल्स ब्लॉक, इसका मतलब एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ। व्हाइल लूप के साथ भी दिखाते हैं एल्स ब्लॉक। चलिए भाई लेते हैं फिर न्यू फाइल, अगेन मैं अपने प्रोग्राम का नाम देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा यूज ऑफ एल्स ब्लॉक विद व्हाइल लूप, ये हुआ प्रोग्राम का नाम। सबसे पहले भाई मैंने एक लूप वेरिएबल लिया आई, जिसको इनिशियलाइज कराया मैंने 1 से। फिर मैंने लिखा व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 10। उसके बाद माय फ्रेंड इसकी बॉडी में हम लोग प्रिंट कराते हैं आई को, साथ में मैं यहाँ पर दे देता हूँ एंड पैरामीटर। आप लोग अच्छे से एंड पैरामीटर का यूज जानते हो। फिर भाई हमने अपने लूप वेरिएबल को अपडेट किया, मैंने आई प्लस इक्वल टू क्या कर दिया 2। इसके बाद मैं लिखूंगा एल्स ब्लॉक और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड विद व्हाइल लूप। ओके भाई, तो ये तो हुआ हमारा कंप्लीट प्रोग्राम। ये किया मैंने इसको सेव और नाम दिया मैंने व्हाइल विद एल, ये हुआ सेव और ये हुआ रन। तो यस मेरे भाइयों, क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है 13579 प्रिंट हुआ और फिर हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रिंट कराया था एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड विद व्हाइल लूप। चलिए भाई अब व्हाइल लूप का एक और प्रोग्राम बना लेते हैं, जहां हम अपने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर लेते हैं। अगेन भाई लेते हैं न्यू फाइल, नाम देते हैं अपने प्रोग्राम का यूज ऑफ एल्स इन व्हाइल ऑल्सो यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। तो ये हो गया प्रोग्राम का नाम। अब मैंने माय फ्रेंड एक वेरिएबल लिया नेम, उसके अंदर भाई मैंने एक स्ट्रिंग दी जय माता दी।
ओके याद कर लिया अपनी शेर वाली माँ को, आप लोग भी जयकारा लगा लो, जय माता दी। चलो भाई अब एक और वेरिएबल लेते हैं जिसे हम कंडीशन लगाएंगे अपने व्हाइल लूप में। मैंने एक लूप वेरिएबल लिया, आई इनिशियलाइज कराया इसको वन से, फिर मैंने लिखा व्हाइल आई लेस देन, मैंने मान लीजिए दे दिया 200, और फिर मैंने इसकी बॉडी में दिया इफ आई equal to 109 हो माई फ्रेंड, तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर ब्रेक, और फिर मैंने यहाँ प्रिंट कराया अपने स्ट्रिंग वेरिएबल को नेम को। अब फाइनली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अपडेट स्टेटमेंट, मैंने लिखा आई प्लस इक्वल टू वन। इतने कोड से आप लोग समझ गए होंगे कि विकास भाई क्या चाह रहे हैं, 108 बार जय माता दी प्रिंट करवाने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। ओके चलो भाई अब जल्दी से एल्स ब्लॉक भी लिख लो। हमने लिखा एल्स और यहाँ दे दिया प्रिंट में एल्स ब्लॉक नॉट एग्जीक्यूटिंग। ओके ये कंप्लीट कर लिया प्रोग्राम। अब भाई इसको कराया सेव, नाम दिया मैंने दोस्तों इसका एल्स विद व्हाइल एंड ब्रेक, ये हुआ सेव और ये हुआ रन। तो प्रिंट हो रहे हैं 108 बार जय माता दी आप लोगों के सामने प्रिंट होकर आ गया है भाई। क्या एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ? नहीं हुआ। तो आ गया होगा भाई समझ अच्छे से लूप एल्स स्टेटमेंट का यूज। तो ये माय फ्रेंड्स आज मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर किया लूप एल्स स्टेटमेंट का। आज के अपने इस लेक्चर को अब यहीं खत्म करते हैं, मिलता हूं आप लोगों से अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।